नमस्कार दोस्तों, हिंदी जानकारी तरफ पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये फॉर्म बहुत जरूरी है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं तो लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, पता नहीं कब तक कॉलेज खुलेगा या स्कूल खुलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस फॉर्म की मदद से अपने जो स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन या एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस ये ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, इसे बनाने में दोस्तों कितना समय लगा दोस्तों आप पूरा भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों ये गूगल फॉर्म कैसे बनता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के लिए बता दो, अगर दोस्तों आप मेरे हिंदी जानकारी चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज तो मेरे हिंदी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगला वीडियो रखूंगा और देखने में दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपना विंडो खोल लेंगे दोस्तों, उसके से अपना हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों अपना हम मेल आईडी से लॉगिन हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं हमें अपने मेल आईडी से लॉगिन हो दोस्तों। उसके दोस्तों आपको ये फिर दोस्तों यहाँ पर जो आइकॉन दिखेगा उस पर क्लिक करना दोस्तों, फिर नीचे आना स्लाइड करके दोस्तों, उसके दोस्तों यहाँ पर मिलेगा डॉक्यूमेंट दोस्तों, इस पर हम लोग क्लिक करना है दोस्तों। दोस्तों खुलने के बाद तो आपको ये साइड में आना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सब ब्लैंक ब्लैंक लिखेगा दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है दोस्तों, DOCS फाइल है दोस्तों, ये से डॉक्यूमेंट रिज्यूम बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमें नॉर्मली इसके बारे में नहीं बात करना दोस्तों, हमें बात करना है गूगल फॉर्म के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों और उससे नीचे आएंगे दोस्तों, चौथे नंबर पर लिखा रहेगा फॉर्म्स दोस्तों, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोडिंग उठाएगा दोस्तों, लोडिंग लेगा दोस्तों। यहाँ ओपन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फॉर्म खुल गया दोस्तों, यहाँ पे चार फॉर्म ऑलरेडी है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, टंग टंग फॉर्मेशन और भी कुछ है जिससे, लेकिन दोस्तों नॉर्मली हमें दोस्तों यहाँ से ब्लैंक फॉर्म लेना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, ब्लैंक प्लस जो अकाउंट दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा दोस्तों, अब दोस्तों एक फॉर्म खुल के आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं अनटाइटलेड मतलब फॉर्म दोस्तों, आप फॉर्म का टाइटल देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं या तो अपने कॉलेज या स्कूल का नाम दे सकते हैं दोस्तों। और ऊपर देख सकते हैं पहले इसको हम लोग डिजाइन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह ऑलरेडी खुल के आएगा दोस्तों। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्म का टाइटल डालेंगे दोस्तों, जब मैं कुछ भी लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से अपना स्कूल का नाम या रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैं यार दोस्तों रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ दोस्तों, या अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई बात ही नहीं दोस्तों, स्कूल या कॉलेज का नाम लिख सकते हैं दोस्तों। तो पहले सबसे पहले होता है चूज दोस्तों, वो होता है स्कूल का टाइटल या स्कूल का फॉर्म हो तो चल लिख देंगे दोस्तों। कैसे नीचे दोस्तों आप अपना कॉलेज या स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि रहता है दोस्तों। तो मैं नॉर्मली दोस्तों आप लोग को सिंपली बताने के लिए दोस्तों मैं कुछ भी यहाँ डाल देता हूँ दोस्तों। फिर ऑप्शन आता है दोस्तों फॉर्म को एडिट करते कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म बनाते हैं दोस्तों। तो नॉर्मली सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों, आप लोग जैसे कास्ट होता है या कॉलेज चूज करना होता है दोस्तों, तो उसे मार्क करना रहता है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आएंगे प्लस के आइकॉन के मंट पर जो है उस पर क्लिक करें दोस्तों, उसके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम हम अपना बढ़ा लेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ कास्ट चूज करेंगे दोस्तों, नॉर्मली दोस्तों ये हर फॉर्म में लगता है दोस्तों, आप भी लोग इसी तरह कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जो ये है इसका हम लोग टाइटल देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हम एडिट कर लेंगे दोस्तों, जैसे सेलेक्ट जो भी हो कैटेगरी हो लिख सकते हैं दोस्तों। वो थोड़ा स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ज़्यादा दोस्तों मुझे इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश दिक्कत हो रहा है दोस्तों। इतना मेरा से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, कम कम लाइक कर दिया करो यार। दोस्तों इतना लिखा हुआ दोस्तों हम छोड़ देते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब बात ये क्लास चूज करने के लिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे दोस्तों। क्लास भी नॉर्मली हम इसी तरह करते हैं दोस्तों, बस उसका हम लोग चेंज करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो लिखा है सेलेक्ट कैटेगरी दोस्तों, इसे हम चेंज करके लिख सकेंगे, सेलेक्ट क्लास लिख सकते हैं दोस्तों।
फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लिखा है इसे हम एडिट करेंगे अपने हिसाब से, कौन सा क्लास है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो छोटे कॉलेज मतलब क्लास होते हैं, और कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको पता ही क्या भरना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने हिसाब से जो आपके स्कूल में फैसिलिटी हो क्लास रूम की उस तरह आप डाल सकते हैं दोस्तों, इसे तो आप यहाँ से बढ़ाते चले जाएँगे दोस्तों। फिर दोस्तों अब बात आती है दोस्तों अपने मतलब नाम की, स्टूडेंट नेम होता है जो सब, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा स्ट्रॉन्ग आंसर दोस्तों, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों क्वेश्चन नेम हम डाल देंगे दोस्तों, जैसे कि नेम्स डाल देंगे या स्टूडेंट नेम डाल देंगे दोस्तों, जो आपको आसान पड़े डाल दोस्तों आप उसे लिख सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नॉर्मली यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों आपका था फादर्स नेम भरने के लिए दोस्तों, ये हम लोग डाल देंगे दोस्तों। फिर दोस्तों ना लिखने के बाद तो फिर नीचे आएंगे दोस्तों, फिर यहाँ से हम फिर कॉपी करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों कॉपी करने के बाद तो यहाँ फिर मदर नेम डालेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जान सकते हैं दोस्तों स्कूल का जो कॉलेज का फॉर्म होता है उसमें ये सब डिटेल्स लगता है दोस्तों, पर्सनल डिटेल लगता है दोस्तों। दोस्तों मैं सिर्फ बताने के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों आप लोग को, कि आपको समझ आया दोस्तों कैसे कैसे बनाना है दोस्तों। इना करो दोस्तों फिर हम नॉर्मली यहाँ देख सकते हैं, फिर यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये है आपका चूज करना है, जैसे कि शॉर्ट आंसर है पैराग्राफ नीचे और जो है उस पर क्लिक करें दोस्तों, जैसे कि हम दोस्तों अपना पूरा एड्रेस भर सकते हैं दोस्तों। अब ये होता है दोस्तों जैसे पर्सनल डिटेल एड्रेस होता है वो सब भरने के लिए होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों तो आप लॉन्ग मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम फिर से फिर प्लस आइकन पर क्लिक करें दोस्तों, फिर यहाँ पर आएंगे हम डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ होता है उसे यूज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ डाल देंगे दोस्तों DOB दोस्तों, या पूरा भी लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। फिर दोस्तों प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ से आप चूज करेंगे दोस्तों जैसे कि फाइल अपलोड या मेल फीमेल जो चूज करना है उसे हम चूज करेंगे दोस्तों। चेकबॉक्स ग्रेस क्लिक करके ऑप्शन ले लेंगे दोस्तों, फिर यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, जैसे आप मेल फीमेल डाल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिख सकते हैं जेंडर चूज करना मतलब सेलेक्ट जेंडर या जेंडर लिख सकते हैं नॉर्मली, जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों आप लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ऐसा हम इसको सब कंपलसरी कर देंगे दोस्तों, क्योंकि सब कंपलसरी है दोस्तों, ऊपर से करते आएंगे दोस्तों हम तो भूल गए थे थोड़ा, या सब कंपलसरी कर देंगे दोस्तों, रिक्वायर्ड कर देंगे दोस्तों, इसे टिक करने से दोस्तों ये सब कंपलसरी हो जाएगा भरना दोस्तों फॉर्म में, रिक्वायर्ड सब इनेबल कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि ये फॉर्म में ये सब लगता है दोस्तों कंपलसरी, तो ये कंपलसरी करना। फिर दोस्तों आपको साइड में लिखेगा रो दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों नॉर्मल लिख देंगे सेलेक्ट दोस्तों, इसे भी मैंने छोड़ दिया था ऑप्शन में दोस्तों, यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं रो लिखा हुआ दोस्तों, तो हम लिख देंगे सेलेक्ट दोस्तों। फिर ये नीचे भी यहाँ पर भी लिख देंगे दोस्तों अपना सेलेक्ट। फिर दोस्तों इसे हम फिर कॉपी कर लेंगे दोस्तों, फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करके दोस्तों, फिर यहाँ ऑप्शन देखिए फाइल अपलोड दोस्तों, जैसे कि अब आती है बारी दोस्तों फोटो अपलोड करने का, जैसे या अपना डॉक्यूमेंट पर्सनल अपलोड करने के लिए दोस्तों, और भी दोस्तों होती है जैसे फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो डॉक्यूमेंट होगा, फिर दोस्तों कुछ मार्कशीट होती है उसे भी अपलोड करना चाह अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, या सिग्नेचर हो गया दोस्तों, जैसे यहाँ पर फाइल भी सेट कर सकते हैं दोस्तों कौन कितना MB में चाहिए दोस्तों। तो नॉर्मली दोस्तों मैं फोटो को 1 MB में कर लेता हूँ दोस्तों, फिर इसे कॉपी कर लेंगे दोस्तों, फिर इसे यहाँ पर फिर नाम दे देंगे दोस्तों, जैसे कि डॉक्यूमेंट लिख देंगे दोस्तों, या आप आधार कार्ड भी लिख सकते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा दोस्तों। इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, 10 MB कर लेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों हम फिर कॉपी करेंगे दोस्तों इसे, फिर दोस्तों यहाँ पर हम सिग्नेचर मतलब उस जिनका स्टूडेंट का एडमिशन होगा दोस्तों उनका सिग्नेचर भी लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर भी ले लूँगा दोस्तों। फिर दोस्तों ये सब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा दोस्तों, ये कंपलसरी है दोस्तों।
इतना करना दोस्तों, ऐसा हम प्रीव्यू करके अपना फॉर्म देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों इस तरह कुछ फॉर्म दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म रहेगा। नॉर्मल दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ सेंड बटन आपको दिखेगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों आप किसी को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ से ईमेल किसी, या तो बगल में ये जो लिंक है दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक करें दोस्तों। फिर दोस्तों इस लिंक को हम लोग कॉपी कर लेंगे दोस्तों, अपने हिसाब से कॉपी कर लेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों जिस स्टूडेंट को आपको एडमिशन करवाना है दोस्तों या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना है दोस्तों, उसे लिंक को आप व्हाट्सअप की मदद से चाहे किसी भी माध्यम से उसे हम इस लिंक को सेंड कर देंगे दोस्तों, जिससे वो अपने मेल आईडी से लॉग इन होकर दोस्तों और इस फॉर्म को भरता है दोस्तों, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों, उसके दूसरे पार्ट के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।